या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः। आइए हनुमंत विराजी। इसकी ये रहती है, बोले गांव वाले कहेंगे इसको देवी नहीं आई तो लंबी जीप करके बोले रखो कपूर, रख दिया। कपूर जब जलता है ना तो पहले ऊपर ऊपर जलता है, नीचे नहीं जलता। जब तक जीव तक पहुंचता है तो वो मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह बंद करे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिले ही नहीं रहे, बुझ गया। अब बुझ गया तो मुंह को जलेगा। तो एक बार एक कथा में हमें देवी बड़ी परेशान करने लगे और हमें बड़ा अपमान सा लगता कि माँ भगवती का मजाक उड़ा रहे हैं। हमने कहा पंडित जी चिंता मत करो, तुम एक काम करो कि जब देवी आवे तो कपूर देना, लेकिन कपूर देने की किसकी हम बता दे रहे हैं। बोले कैसे देना? हमने कहा कपूर ऐसे बारीक पीसो और रख दो और हाथ पकड़ के कपूर जलाना, जब तक पूरा कपूर ना जल जाए हाथ मत छोड़ना। देवी जी होंगी तो कल फिर आएगी और कोई और होगी तो दिखेगी नहीं पंडाल। पंडित जी ने, हमने तो मजाक में कहा, पंडित जी ने सही में कर दिया, वो आई च नहीं दोबारा, 7 दिन बीत गए। लेकिन जब देवी नहीं आती तो आती कौन है? तो जो 64 जोगन नाम सुना होगा आपने, 64 जोगन आती है। 64 योगिनियां खेलती है, नाचती है, लेकिन कई बार ऐसी ऐसी देवी आ जाती है तो बोले आई तो हमें देवी जी है, नाच रहे हैं, कोई बात नहीं नाचो, सबके लिए डीजे की व्यवस्था है, पंडाल लगा है, भजन चल रहे हैं, नाचो, खूब नाचो, सब नाचो। हम तो और मंच से कहते हैं कि नाचो भैया, क्योंकि जो यहाँ नाचेगा उसको कहीं नहीं नाचना पड़ता। जो यहाँ नाचता उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता, इसलिए खूब नाचो, जितना मन करे नाचो, लेकिन ऐसा नाचो कि ढोंग ना लगे। नाचो ना, कूद के नाचो, जैसा नाचते आता, नहीं भी नाचते आता तो भी कूदिए कि अब मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि मुझे अब भटकना ना पड़े। नाचते नहीं भी आता तो भी कूदो, लेकिन बोलो कि हम नाच रही है, मत बोलो देवी जी आ गया। देवी जी बोल के मत नाचो, सब नाचो, सबके लिए भंडार खुला है, सब नाचिए। अब एक बार एक कथा में आ गई देवी, देवी जी आई तो हम उस समय बड़ा सम्मान करते थे, अरे देवी जी आई, देवी जी आई, सब बैठे शांति से, देवी जी आई है। मंच पे आने लगी देवी जी, पुराण रखी थी, हमने कहा स्वागत है, आइए आइए, आई देवी जी, कूद रही थी कपूर अपूर लेकर के हाथ में, तो सम्मान है, भजन चल रहे थे, जस चल रहे थे, जस सुनिए। उतने में लेकिन गड़बड़ क्या होगी, उसकी पड़ोसन को देवी आ गई, पड़ोसन को देवी आई, पड़ोसन ने सोची कि बाजू वाली मंच पे कूद रही, मैं नीचे कूदूं अपमान नहीं हो जाएगा, मैं भी मंच पे जाऊंगी। अब जो मंच पे थी तो उसने देखी कि मैं मंच पे कूद रही, मेरे को इतने लोग देख रहे हैं और इससे मेरा झगड़ा, और ये भी यहाँ कूदेगी तो इसको भी देखेंगे, मैं काहे को इसको आने दूंगी मंच पे। तो जो मंच पे खड़ी थी और जो नीचे खड़ी थी उन दोनों के बीच होने लगा झगड़ा, बाल पकड़ पकड़ के। हमने कहा पंडित जी ऐसी कोई देवी नहीं, उनको भगाओ अभी यहाँ से। तो देवी जी कभी झगड़ा नहीं करती ना, करती है तो लोग देवी को बदनाम करते हैं। याद रखना यहाँ इतना बड़ा मंदिर है, व्यास मंच से कह के ये बात जा रही है, एक दिन बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा, गांव में ऐसे लोगों को आने मत देना। बहुत दिव्य मूर्ति है, भव्य मूर्ति है, ये भी कह सकते कि साक्षात माँ भगवती विराजमान है, साक्षात, बस आपके आने की देर। एक आपको एक नियम बता के जा रही हूँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है, जिसके जीवन में समस्या हो, कुंडली में कोई दोष हो, उसको क्या करना चाहिए? माँ भगवती के द्वार पर आए, रोज आकर के माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करें और माँ भगवती से कुछ ना कहे, कुछ ना दे, बस इतना कहे कि हे मैया, मैं जो कार्य आपके चरणों में लेकर के आया हूँ, बस ये कार्य मेरा पूरा हो जाए, इतनी इच्छा है। और ये मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैया, मेरी अर्जी है, अगर आपकी मर्जी होगी तो ये कार्य कर देना, अब मैं जा रहा हूँ।
आप 21 दिन कीजिए, कोई से कठिन काम होगा हो जाए, कोई उपाय नहीं, कोई टोटका नहीं, कुछ नहीं, केवल बोलना है और सच्चे मन से कि हे मैया मैं अब तेरा हो गया, मुझे बनाना है या बिगाड़ना है तेरी मर्जी। जो लड़कियों की विवाह नहीं होते, जो कन्याओं के विवाह में देरी होती है, उनके लिए नवरात्रि में सबसे शुभ दिन होता है सातवां दिन, नहीं छठवां दिन, माता कात्यायनी का दिन। उस दिन जाकर के माँ भगवती की उस दिन से आराधना शुरू कर दो। संध्याकालीन गोधूली वेला में पीले वस्त्र पहन करके और माता कात्यायनी का जप करें, पीले पुष्प अर्पित करें और माता कात्यायनी से कहे कि हे मैया मुझे योग्य वर की तलाश है, खोज है, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे योग्य से योग वर प्रदान करना। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र का आप जाप करेंगी और गारंटी है कि 21 दिन के अंदर अंदर आप जैसा वर मन में लेकर बैठी है कि मुझे ऐसा वर चाहिए, वैसे वर की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि जब गोपियों को कृष्ण दिखाई नहीं दिए विचलित हो गए, कहाँ गए हमारे कन्हैया, दिख क्यों नहीं रहे, हमें वही चाहिए। जाकर के कात्यायनी माता के शरण में चली गई, जाकर के जब जप करने लगी, उनकी आराधना करने लगी और वही माता कात्यायनी के प्रताप प्रताप से और गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति की थी। चाहे जैसा वर चाहिए ये नियम कर ले, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। तो बोलिए जगदम्बा मैया की, बोलिए कामाख्या मैया की जी। और कामाख्या देवी के लिए जो लोगों की एक विचारधारा है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। लोग सोचते हैं असम चले जाइए आप, जहाँ पहला कामाख्या मंदिर है, वहां जाएंगे तो लोग करते तंत्र विद्या। तंत्र विद्या जानते हैं आप, ना खुद सुखी ना किसी को रहने देंगे। सीधे रास्ते से चलने वाले को माँ भगवती स्वयं हाथ पकड़ के पार लगाती है और जो माँ भगवती के नाम का सहारा लेके दूसरों को दुख पहुंचाता है, माँ भगवती स्वयं उसका साथ छोड़ देती है। तो जो तंत्र विद्या करते हैं, जो गलत विद्या सीख लेते हैं, अब वो क्या करें, उसका उपयोग तो कहीं ना कहीं करना है, किसी ना किसी के ऊपर उसका प्रयोग करते रहेंगे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे और सोचते हैं कि हम बड़े सुखी। लेकिन जो तंत्र विद्या करता है, जो दूसरों के ऊपर गलत उसका प्रयोग करता है, उसकी जब मृत्यु होती है, हमने खुद आंखों से देखा है, उसकी मृत्यु सहज नहीं होती, उसे बहुत तड़पना पड़ता है। और जो असम जाते ना कामाख्या देवी के मंदिर, बलि चढ़ाते हैं कि माँ भगवती प्रसन्न हो जाए, धन दे दे, दौलत दे दे। क्या बलि चढ़ाने से भगवती प्रसन्न होती हैं, बताइए। और ये भी बताइए कि किस शास्त्र में लिखा है कि बलि चढ़ानी चाहिए। आप देवी पुराण पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि बलि चढ़ाओगे तो भगवती प्रसन्न होगी। क्योंकि माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तो बस मन में भाव होने चाहिए ना, दुखी करने के लिए तो गलतियां काफी है, प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए, मन में भाव। जिसके मन में भाव नहीं वो भगवती को प्रसन्न नहीं कर सकता, चाहे बलि चढ़ा दो या खुद चढ़ जाओ। कथा रोक दे क्या, हाँ? किसको नींद आने लगी, ये लोग सो रहे हैं। अरे एक बात बताऊं, ये अभी भैया भजन गा रहे थे, दो बैठे हैं, जहां दो आदमी में बात होती वहां विवाद हो ही जाता। अब एक गा रहा है मेरे मालिक तेरी नौकरी और एक गा रहा है मेरे मालिक मेरी नौकरी, दोनों में अंतर। एक बार क्या हुआ कि कथा चल रही थी, राम कथा चल रही थी, तो आर्गन वाले भैया का ध्यान कहीं और था। अब हमने गा दिया, अब हमारा ध्यान तो कथा में ही रहेगा, कहाँ जाएगा। हम गा रहे थे मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहार। अब इनको सुनाई दिया नहीं क्योंकि ध्यान इनका कथा में था नहीं। जब हमने देखा तो बोले कि अब गाना पड़ेगा, देवी जी देख रही है, तो उन्होंने उठाया माइक और गाना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, गड़बड़ गा दी। गाया क्या, मंगल भवन अमंगल हरी और तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अब गांव वाले इनसे आकर के पूछे, भई अब तक तो हम तुम्हें पुरुष समझ रहे थे, तुम नारी हो। तो बोले नहीं नहीं, किसने कहा। बोले अभी तो आप गा रहे थे तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तो कई बार ध्यान भटकने से बड़ी गड़बड़ हो जाती है।